loves. Perhaps. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज थोड़े अलग टाइप का व्लॉग है क्योंकि मेरे साथ कांड होते रहते हैं। नॉर्मल है व्लॉगर्स के साथ कि मैंने मोबाइल में से जो भी रिकॉर्डिंग करी थी वो कॉपी करी और फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं, और मैंने किया था कंट्रोल एक्स, मुझे करना चाहिए था कंट्रोल सी। तो मैं अपनी कुछ वीडियोज़ लूज़ कर चुका हूँ और कुछ वीडियोज़ बैकअप में जो हो गई थी वो पड़ी है, प्लस कुछ रिकवर हो गए, तो उसको लेके मैं अभी आपको सारा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। बट आज का व्लॉग ऐसे शुरू करते हैं। तो फाइनली एवटार 2 रिलीज़ हो गई आफ्टर 13 ईयर्स, और मतलब बहुत लोगों को इसका इंतज़ार था, और मतलब इतनी पुरानी स्टोरी जो अब कंटिन्यू हो रही है तो उसके लिए बहुत सब लोग एक्साइटेड, और मैं भी एक्साइटेड था। तो मैं गया सिनेपोलिस अगेन, जिसमें मैंने वकांडा फॉरएवर देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैंने 4DX में देखी। मैंने IMAX नहीं चूज़ किया, मैंने पहले कन्फ्यूज था दोनों में कि मैं किस में करूँ, बट मुझे 4DX की टिकट ईजिली मिल गई तो मैंने वो लिया। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने 4DX क्यों लिया, IMAX लेनी चाहिए थी। बट मेरा वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आपको बताता हूँ पूरा। Seriously, dude? No, 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 no! Ow! Hey! Size, their strength, their speed. And with our training, that's a pretty potent mix. Actually, Vegeta has got what he did. It was births. Old friends and new loves. This is a warrior's knot, not easy to master. Perhaps you should start with a needle. Never fight back. Now I've never seen him lift a fist. Tough bastard. वैसे भी मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाल सकता मूवी की क्योंकि कॉपीराइट क्लेम पहले भी आ चुका है और अभी भी आ जाता है, इसलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाली है। और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एक तो अंदर थोड़ा सा अंधेरा ऑब्वियसली होता है तो मैं ज़्यादा वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बट मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा करने की। और मतलब एक्सपीरियंस ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है हमेशा से 4DX, और मैं तो पर्सनली बोलता हूँ मुझे 4DX ज़्यादा पसंद आता है। तो मूवी का जो एक्सपीरियंस था, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे, मतलब बेस्ट IMAX से ज़्यादा बेस्ट बोलूँगा मैं, येस। क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लड़ रहे थे कि IMAX इज़ बेस्ट, 4DX बेकार है, नहीं जाना चाहिए। पहले मैं इस बात पर एग्री करता था लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि पहले जो मैं 4DX में गया था ना वो मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं लगा। दैट वॉज इन PVR लॉजिक्स नोएडा, उसकी स्क्रीन छोटी थी, प्लस ब्राइटनेस कम थी, प्लस इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इस वाले में जो मैं गया हूँ साकेत में सिनेपोलिस, उसमें एक तो स्क्रीन अच्छी है, ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है, प्लस इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स इम्प्रूवमेंट दिए हैं यार। आप सबको बताइए 4DX में स्प्रिंकलर्स आते हैं, सीट मूवमेंट्स आपको बताइए स्प्रिंकलर्स आते हैं, जो भी जितने भी मरीन लाइफ वाले सीन्स थे वो तो अमेजिंग थे। और मतलब जो बारिश वाले सीन होते उसमें लिटरली ऊपर से बारिश हो रही थी, मतलब हमारे ऊपर बूंदे गिर रही थी, प्लस जो साइड में बड़े बड़े फैंस होते हैं उसमें से स्पार्कल भी उन्होंने ऑप्शन अब ऐड किया, पहले नहीं था। या तो पहले मैंने ऐसी कोई मरीन लाइफ वाली मूवी नहीं देखी, बट वकांडा फॉरएवर देखी थी, उसमें ऐसा सीन नहीं था, यहाँ पर था।
और ये आई थिंक एवटार 2 के लिए इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, तो अब ये बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज है। प्लस द बेस्ट पार्ट, जो भी मरीन लाइफ वाले सीन थे और जो रेनिंग वाले सीन थे फाइटिंग वाले, उसमें बबल्स ऑप्शन भी डाला इन्होंने, मतलब बबल इफेक्ट एक्चुअली जो फैंस लगे वो उसमें से बबल्स निकल के आ रहे थे स्क्रीन के सामने, तो वो तो भाई वो देख के मज़ा ही आ गया। मतलब मैंने ट्राई किया है वीडियो रिकॉर्ड करने का, मैं इसको एडिट करके थोड़े से ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, हो सकता है आपको क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब लगे, बट मतलब वो एक्सपीरियंस देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया। और मतलब एक्शन मूवी, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी इज़ अमेजिंग, और एक्शन इतना अमेजिंग था, तो मतलब फुल एफेक्ट के साथ साथ जो एंजॉय करके हमने मूवी देखी है ना, मुझे नहीं लगता मुझे नॉर्मल स्क्रीन पे मूवी ये पसंद आती उतनी। क्योंकि क्या था मूवी में, मूवी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो स्लो मूवी लगी मुझे, ऑब्वियसली 3 घंटे की इतनी लंबी मूवी थी तो मुझे लगा कि थोड़ी सी स्लो हो रही है, थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, लेकिन 4DX इफेक्ट के साथ मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगी। अगर आप नॉर्मल स्क्रीन पे देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे बीच में, वैसे मूवी बहुत अच्छी है। और ऑब्वियसली जो पुरानी वाली स्टोरी है उसको कंटिन्यू किया है, पहले जंगल लाइफ के बारे में थी, इस बार थोड़ा मरीन लाइफ के बारे में बताया। एनीवेज मूवी का रिव्यू तो मैं अपने दूसरे चैनल पे दूंगा, क्योंकि मैं इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, इस वाले में मैंने सिर्फ 4DX एक्सपीरियंस बताया और इट वाज एपिक। तो मतलब इन्होंने जो इम्प्रोवाइज किया सबसे पहले तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। दूसरी बात, जो मेरा डाउट था कि IMAX जाना चाहिए, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कि 4DX ज़्यादा बढ़िया है, वो मेरा डाउट क्लियर हो गया 100% क्लियर। मतलब 4DX में जो मज़ा आया है मुझे IMAX में उतना मज़ा नहीं आता। नो डाउट IMAX में स्क्रीन बड़ी मिलती है, बट उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे 4DX में। मैंने तो मूवी बहुत इंजॉय करी। मतलब जिसको भी अगर ये डाउट हो रहा है ना कि IMAX जाना चाहिए या 4DX जाना चाहिए, डेफिनेटली 4DX जाओ, बट पहले थिएटर का पता कर लेना कौन से थिएटर में जा रहा है, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ अपने, कुछ थिएटर में 4DX में मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करते वो लोग। और सीट मूवमेंट्स ठीक है, दो तीन इफेक्ट्स होते हैं, इसमें 3-4 इफेक्ट्स एक साथ था, रेनिंग वाला था, बबल्स वाला इफेक्ट नया था, और फैंस के साथ जो स्पार्कल्स निकल रहे थे ऊपर से वो अलग नया था। अगर आप जा रहे हैं दिल्ली NCR में तो ये वाला थिएटर आप ज़रूर ट्राई करें। एनीवेज ये छोटा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और इस मूवी का रिव्यू मैं इस बार रिकॉर्ड करके डाल दूंगा अपने दूसरे चैनल पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।